नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपको यहाँ पे एक और फिर से नया अपडेट लेके आए हैं डिजीपे 4.1 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले डिजीपे का एक नया अपडेट आया था 4.0, जिसको मैंने लाइव आपको यूज करके भी दिखाया था और उसके फीचर्स के बारे में बताया था। लेकिन फ्रेंड्स, अभी सीएससी ने अपने डिजीपे के वर्जन में फिर से नया अपडेट ला दिया है और अब यहाँ पे 4.1 को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसमें क्या नया है और क्यों ये नया अपडेट वर्जन लाया गया है और कहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे, इसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड, नए डिजीपे 4.1 को डाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजीपे 4.1, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है सीएससी डिजीपे 4.1। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको डिजीपे 4.1 के बारे में पूरा बताया गया है। जैसे कि पहले 4.0 के बारे में बताया गया था तो उसकी सारी जानकारी आपको पिछले दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको 4.1 की जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है, तो जिसपे क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए इस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में नया वर्जन 4.1 जो है डाउनलोड हो जाता है। तो फ्रेंड, मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा है। अब मेरे कंप्यूटर में जो पहले से 4.0 चल रहा है, मैं उसे पूरा अनइंस्टॉल कर दूंगा, उसे डिलीट कर दूंगा। सो फ्रेंड, पुराने डीजीपी को अनइंस्टॉल करने के लिए हम आए हैं कंट्रोल पैनल में और यहाँ पे हम प्रोग्राम में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिये ये है प्रोग्राम एंड फीचर्स, और यहाँ पे आके देखिये जो यहाँ पे डीजीपी है, हम यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे यस करेंगे और ये जो है हमारा अनइंस्टॉल हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जाके सी फोल्डर में जाके चेक कर लें अगर डीजीपे का कोई फोल्डर वहां पे है तो उसे डिलीट कर दें। अगर यहाँ पे रिसाइकल बिन में कोई डीजीपे की फाइलें पड़ी हुई हैं तो वहां से डिलीट कर दें और सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर ले। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4.1 डाउनलोड कर रखा है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, हम इसे नहीं पढ़ेंगे और हम सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करेंगे और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करेंगे, यस करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश कर देंगे और हम इसे क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा नया डीजीपे 4.1 जो है वर्जन यहाँ पे आ गया है। फ्रेंड, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वर्जन 4.1 है। हालांकि यहाँ पे कहीं शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पे 4.1 वर्जन है। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो यह आपके सामने आता है। अब फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि 4.1 में नया क्या है और क्यों जो है इस वर्जन को लाया गया। तो फ्रेंड, जो यहाँ पे पहले हमारा 4.0 वर्जन था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसमें कुछ बग थी, कुछ प्रॉब्लम थी। उनको फिक्स करने के लिए इस नए 4.1 वर्जन को जो है लाइव किया गया है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स वही के वही हैं, फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर हम यहाँ पे विड्रॉल देखेंगे तो उसी प्रकार का यहाँ पे विड्रॉल है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस देखेंगे तो उसी प्रकार का बैलेंस है, और पे आउट देखेंगे तो उसी प्रकार का पे आउट है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक बदलाव कर दिया गया है। अगर आप किसी का यहाँ पे जो है बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार फिंगर स्कैन करने के बाद कुछ सेकंड का वेट करना होगा, तब जाके आपका दोबारा फिंगर स्कैन होगा।
फ्रंट ए इसलिए किया गया है कि जो है आप एक ही फिंगर को बार बार स्कैन ना कर दें, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम रखा गया है, यानी कुछ सेकंड का आप वेट करेंगे तब जाके आपका फिंगर दोबारा स्कैन हो पाएगा। अब फ्रेंड बात करते हैं यहां पे पे आउट का, तो अगर आप एनईएफटी करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन अगर आप यहां पे आईएमपीएस करते हैं तो आपको यहां पे चार्ज देना होता है। सो जैसे कि फ्रेंड आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है आईएमपीएस चार्जेस फॉर पे आउट अप टू इनर 25,000 पे आपको यहां पे ₹5 प्लस देना होगा, यानी कि ₹5 प्लस जीएसटी। और अगर आप ₹25,000 से ऊपर का पे आउट लगाते हैं और 2,00,000 के बीच का पे आउट आप यहां पे लगाते हैं तो आपको ₹10 प्लस जीएसटी जो है देना होता है। फ्रेंड ये जो है इनके चार्जेस हैं, अगर आप एनईएफटी करते हैं तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है और आपका पे आउट आपको मिल जाता है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं एनईएफटी जो है काफी अच्छा है, एनईएफटी भी आपको जल्द से जल्द ही मिल जाता है, लेकिन अगर आपको पैसे की कभी ज्यादा जरूरत हो तभी आप यहां पे आईएमपीएस करें। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहां पे मनी ट्रांसफर का, तो पहले फ्रेंड जैसे कि आपने देखा होगा ये जो मनी ट्रांसफर की सर्विस थी ये सही प्रकार से काम नहीं करती थी, कभी भी इस पे मनी ट्रांसफर नहीं होता था, लेकिन फ्रेंड्स अभी इस सर्विस को अपडेट कर दिया गया है और ये जो सर्विस है ये काम करने लगी है और सही तरीके से ये जो है काम कर रही है। फ्रेंड पहले इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी कि अगर मान लीजिए आप यहां पे पेआउट भी लगा देते थे और आपका पैसा वॉलेट में रखा रहता था और आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाता था, और फ्रेंड कभी कभी ऐसा होता था कि आपका यहां पे पैसा है लेकिन वो पेआउट होता ही नहीं था। तो फ्रेंड बहुत सारी बग थी, उन्हें फिक्स करने के लिए इस 4.1 वर्जन को लाइव किया गया है। और अगर आपने अभी तक इस 4.1 को जो है डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसे डाउनलोड कर लें और अपने कंप्यूटर में इस नए वर्जन का यूज करें और सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स पूछते हैं कि आपने यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग लिख रखा है, अकाउंट ओपनिंग कहाँ से होता है? तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं सीएससी की एचडीएफसी बैंक की जो सेवा है वहां से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, वहां पे आपको अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दी जा रही है, तो फटाफट जाइए और वहां पे अकाउंट ओपनिंग करिए जितने आपको अकाउंट ओपन करने हैं। तो फ्रेंड आपको मनी ट्रांसफर भी मिलता है, कैश विड्रॉल भी मिलता है, बैलेंस इंक्वायरी भी मिलता है और साथ में अकाउंट ओपनिंग भी मिलता है। तो फ्रेंड इन सारी सेवाओं का लाभ उठा के आप इस सेवा का यूज कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।